शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से। क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। आपको दिया है कि ए बी के बीच में, ये भी एक लाइन है, इसके बीच में एक सी पॉइंट है और इस तरह से कि ए सी इज इक्वल टू बी सी है, ए सी से लंबाई बी सी के बराबर है। देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ए सी है वो हाफ है ए बी का। ये टू प्रूव है। तो गिवन दिया है एक लाइन ए बी, सी पॉइंट बीच में है और ए सी और बी सी की लंबाई बराबर है। आपको ये प्रूफ करना है कि ए सी ए बी का हाफ है। तो देखिए कैसे इसे शुरू करेंगे। सबसे पहले लेंगे आप ए बी। अब ये जो ए बी है ना आपका, ये दो टुकड़ों से मिलके ही तो बना है। यहां से सॉल्यूशन शुरू है। आपका ए बी है ए सी प्लस बी सी के बराबर। अब ए बी को आप ए सी प्लस बी सी तो है ये, ए सी की जगह तो ए सी लिखें और बी सी की जगह भी तो ए सी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए सी और बी सी बराबर है ना आपके। यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन है। बीसी की जगह मैंने एसी ले लिया। अब यहां पे ए बी और ये होगा आपका ट्वाइस ऑफ एसी यानी टू एसी। अब जब ये टू यहां पे जाएगा इस तरह को, यानी कि हम अकेला एसी छोड़ देंगे ना यहाँ पे, एसी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो टू है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये आपका यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो ये तो हो गया प्रूफ। कितना सिंपल सा है। आप और करके इसकी फॉर्म को ठीक कर सकते हैं। ए सी इधर लिख लीजिए, ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। कितना सिंपल सा है क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ जो क्वेश्चन है ना वो भी बिल्कुल इसी के ऊपर बेस है। मैं लैंग्वेज पढ़ता हूँ पहले। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। यही क्वेश्चन 4, इसी के अंदर आपको ये दिया था कि जो C है ना वो AB का मिड पॉइंट था। अब ये इसका मिड पॉइंट था तभी तो AC और BC की लंबाई बराबर थी। आगे कहता है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो आपको प्रूफ करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसी फिगर को यूज करेंगे हम क्वेश्चन 4-5 में भी। क्वेश्चन 5 में आपको ये प्रूफ करना है कि सी ही इसका मिड पॉइंट है, सी से अलग इसका कोई मिड पॉइंट नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ ए की मिड पॉइंट है। देखिए सी मिड पॉइंट है, ये तो दिया हुआ है। तो जब सी मिड पॉइंट है तो हम कैसे लिखेंगे? यहां से सॉल्यूशन है तो ए सी कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ ए बी। इसे मैंने नंबर वन मान लिया। अब मान लेते हैं कि डी कोई मिड पॉइंट है सी से अलग। मैंने मान लिया कि डी भी इसका कोई मिड पॉइंट है, तो लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब जब डी मिड पॉइंट ए बी का मैंने मान लिया, तो ए से लेके डी तक और D से लेके B तक बराबर होगा, यानी अगर D मिड पॉइंट है तो AD की लंबाई AB का हाफ होगी। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये नंबर दो बात होगी। अब जरा वन और टू पे ध्यान दीजिए। आपका AC हाफ AB के बराबर, ये AC मैंने गलत लिख दिया, D लिखना था मुझे AD, क्योंकि डी को मिड पॉइंट ले रहा हूं ना, तो ए डी की लंबाई हाफ ऑफ ए बी। तो ए सी और ए डी दोनों के दोनों आपके हाफ ऑफ ए बी के बराबर दिखा रहा है। अब ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब आपका ए सी और बी डी, ए सी और ए डी बराबर हो।
तो फ्रॉम वन एंड टू हमें ये रिजल्ट मिला कि ए सी और ए डी आपस में बराबर हो गए। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों जो सी और डी है ये एक ही पॉइंट है। इट मीन्स सी एंड डी कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है कि जो डी है ना वो सी के ऊपर ही हो सकता है, यानी यही हो सकता है। अगर डी, अगर हम डी को मिड पॉइंट मानते भी हैं ना, तो वो डी सी के ऊपर ही लाइक करेगा। कोइंसाइड का मतलब ये है, ए सी और ए डी अगर बराबर हैं तो सी और डी एक ही पॉइंट होगा और वो एक दूसरे के ऊपर लाइक करेंगे। तो इससे प्रूफ हो गया कि एक ही मिड पॉइंट होता है। तो देयरफॉर और लैंग्वेज में लिख देंगे जैसा बुक में कहा है, देयरफॉर एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। एक ही मिड पॉइंट हो सकता है किसी लाइन सेगमेंट का। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए 5 के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 की लैंग्वेज है इन फिगर 5.10। देखिए ये फिगर दी हुई है आपको बुक में, ये जो मैंने बनाई है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। यहाँ पे ये गिवन है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये गिवन है। देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी के बराबर है। ये फिगर दी हुई है, ए से सी और ए सी और फिर आपका ये बी डी, ये आपस में बराबर है। आपको ए बी और यहाँ से ये सी डी बराबर प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं डायरेक्ट प्रूफ, यहाँ से जो आपका गिवन है इसी से लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी डी आपको दिया हुआ है। अब ए से सी तक आपके दो पार्ट बन रहे हैं, एक तो ए बी और प्लस बी सी, यानी ए बी में बी सी प्लस करने से आपका ए सी बन रहा है। तो इस ए सी को मैं इन दो की फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी ए बी प्लस बी सी। अब बी से डी देखिए, बी से डी भी आपके ये जो दो पार्ट है इनसे मिलके बन रहा है, एक बी सी और एक सी डी। तो पूरे बी डी को मैं बी सी प्लस सी डी की फॉर्म में लिख लेता हूँ, बी सी प्लस सी डी। अब बीच में इस इक्वेशन का ये इक्वेशन का निशान है इक्वल टू का, तो दोनों तरफ जब सेम चीज़ होती है तो कट जाती है, आपको पता है, क्योंकि उससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं है। अब दोनों तरफ बी सी दिख रहा है आपको, ये कट गया। बचा क्या, जो बचा वो ही आपको टू प्रूफ था, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी, यही प्रूफ था, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में पूछा है व्हाई इज एक्सियम 5 इज द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स, व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ये जो यूक्लिड्स एक्सियम्स थे इनके अंदर जो एक्सियम 5 था ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है, क्यों मान सकते हैं इसको। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट आप इसको मत समझ लेना, ये सिर्फ एक्सियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए फिफ्थ एक्सियम पढ़ते हैं पहले, तो ये रहा फिफ्थ एक्सियम है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसमें लिखा है कि जो पूरा होता है वो पार्ट से हमेशा ज़्यादा होता है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि ये हर चीज़ में अप्लाई होता है, आपकी कोई भी चीज़ हो सब जगह ये अप्लाई होता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, ये भी एकदम राइट है, ये जो बात लिखी हुई है ये एकदम राइट है। क्यों,
होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। इसे एक्सप्लेन करता हूँ मैं, वैसे आपको समझ भी आ गया होगा। देखिए, अगर कोई सारी चीज़ है, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, ये ए से बी तक, ये आपका 10 सेंटीमीटर की लाइन है, कोई टुकड़ा है, कोई छड़ी है, कुछ भी है, ये इसके मैंने टुकड़े कर दिए, मैंने 1 2 3 ये टुकड़े कर दिए। यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा ये आपका 3 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 4 सेंटीमीटर का, फिर ये 3 सेंटीमीटर का, इसके मैंने 3 टुकड़े कर दिए। अब तीनों टुकड़े जो है ना इसके, ये पार्ट ही तो है, टुकड़ों को पार्ट बोलते हैं, तो तीनों के तीनों 10 से तो कम है। ये वाला टुकड़ा भी 10 से कम है, 4 सेंटीमीटर भी 10 से कम है, 3 सेंटीमीटर भी 10 से कम है। तो दुनिया की कोई भी और कैसी भी चीज़ हो, ये जो रूल है ना, ये एक्जियम, ये आपका हर जगह लगता है। कोई भी टुकड़ा पूरे से हमेशा छोटा होता है। तो ट्रू बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन द होल एंड नेवर ग्रेटर देन होल। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो पार्ट होता है ना, टुकड़ा, वो इसके अंदर इंक्लूड होता है, इससे मिलके पूरा बनता है, और ये कभी भी जो है ना पूरे से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि ये 3 टुकड़े हैं, 3 टुकड़े मिलके जब 10 सेंटीमीटर बन रहे हैं, तो अकेला जो टुकड़ा है वो 10 सेंटीमीटर से बड़ा कैसे हो सकता है। तो जो टोटल है, जो होल है, होल को बोलते हैं पूरा, वही हमेशा टुकड़े से बड़ा होता है। तो इतना सा सिंपल सा था ये क्वेश्चन 7। तो ये एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।